विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7 हिंदी चैप्टर 2 व्यापक प्रेम। सबसे पहले देखेंगे कविता का अर्थ, जिसमें है मैंने समझा प्रश्न है। उसमें प्रस्तुत कविता में राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज ने ईश्वर की व्यापकता और गुरु की कृपा का महत्व दर्शाया है। वह दुनिया में गट गट में उपस्थित है और गुरु की कृपा से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। आपके नाम अनेक है पर तू एक ही है। यह ईश्वर एक रंगभूमि समान है और हर खेल में और मिलाप में आप ही है। पानी का ऊपर उठना, बादल बढ़ना, पानी जल बनकर नीचे गिरते ही नदी बन जाती है, इस तरह का तू एक ही है। इस विश्व में आप चींटी अणु परमाणु के रूप से संसार में जितने भी जीव है सब रूप में आप ही है। गुरु देव की कृपा के कारण ही ईश्वर के इस अलौकिक रूप का दर्शन हुआ है। अब देखेंगे स्वाध्याय। सबसे पहला प्रश्न है विचार मंथन। प्रश्न है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसका उत्तर है हम पूरे विश्व को ही अपना परिवार मानते हैं, इसलिए हम ईश्वर से कामना करते हैं कि हे ईश्वर अल्लाह, विश्व के सभी लोग सुखी रहें और सभी स्वस्थ रहें, सभी को जीवन में खुशियाँ में किसी को दुख ना मिले, कोई किसी को तकलीफ ना दे, इसे पूरा विश्व सुखी शांति से रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न और आगे भाषा की ओर, जिस प्रश्न में हमें निम्नलिखित वर्णों से समानार्थी और विरोधी शब्दों की जोड़ियां और उसी वाक्य से अपने वाक्य में प्रयोग करके अपने कॉपी में लिखना है। सबसे पहले हम देखेंगे विरोधार्थी शब्द, जिसमें पहला है रात का दिन, जय पराजय, सबल दुर्बल, छोटा बड़ा। अब हम देखेंगे समानार्थी शब्द, पुष्प फूल, मेघ बादल, जल पानी, रास्ता मार्ग। अभी इसी वाक्यों के हम वाक्य में प्रयोग भी देखेंगे। ये रहा सबसे पहला वाक्य जिसमें यह शब्द आता है, एक कल मैं देर रात तक पढ़ता रहा। दूसरा, यह रास्ता आगे छोटा है। तीसरा, औरंगाबाद बड़ा शहर है। चौथा, आज का दिन बहुत शुभ है। अभी देखेंगे पांचवा, मार्ग फूलों से भरा हुआ है, आकाश में मेघ गरज रहे हैं, मेरा घर छोटा है, पहाड़ बड़ा होता है, बाढ़ का पानी विनाशक लाता है। दस, वह पराजय मान चुका है। इस तरह हमारे ये पाठ के प्रश्न पूर्ण होते हैं। थैंक यू टू वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब ट्रैवल वर्ल्ड ऑफ स्टडी विद हितेन। यह चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।